आपको ले चलेंगे गोला चिका, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चुनावी हुकार भर रहे। सर, हमने ये निर्णय किया भाइयों, हमने और भी कई निर्णय, 126 निर्णयों की मैंने बात की है। हमने ये भी निर्णय किया कि हमारी ऐसी समाज की जो बेटियां हैं, जो सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ती हैं, भाइयों जिन बेटियों ने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं, उन बेटियों के लिए हमने योजना बना करके, मेधावी छात्रवृत्ति योजना बना करके 1,11,000 रुपया प्रोत्साहन के रूप में उन बेटियों को देने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है कि हमारे जो हरियाणा जैन परिवारों की इनकम 1,00,000 रुपए से कम है, ऐसे 23,00,000 परिवार, ऐसे 83,00,000 प्रदेश के जिनको हमने हैप्पी कार्ड दिया है, उन्होंने भाइयों कहीं रिश्तेदारी में जाना है, कहीं उन्होंने भाइयों दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाना है, किसी ने सामान लेने के लिए बाजार में जाना है, ऐसे लोगों को हमने हैप्पी कार्ड दिया है। और ये बोला है कि जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस जाएगी वहां तक उनको 1 साल के अंदर 1,000 किलोमीटर तक फ्री में यात्रा कर सकेंगे, कोई भी पैसा नहीं लगता। ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों संकल्प लेकर के कहा, ऐसे परिवारों की छत के ऊपर हम 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे। मैंने उसका यहां से शुभारंभ किया, कैथल के अंदर से यहीं से आकर के मैंने उसका शुभारंभ किया था। और भाइयों, हमने ये योजना बनाई, फर्स्ट फेज के अंदर 1,00,000 घरों के ऊपर ये सोलर पैनल लग जाएंगे। 8 तारीख के बाद इसकी गति 3 गुना बढ़ा दी जाएगी, ताकि हर छत के ऊपर ये 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगे। भाइयों, इसके ऊपर का जो खर्चा है वो 1,10,000 रुपए का आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80,000 रुपया हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी देंगे, बाकी का पैसा आपका भाई बेटा देगा, किसी को कोई 5 पैसे नहीं लगेगा। उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल भाइयों लग रहा है और उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय बड़ा हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा भाइयों, ना तो आज तक कांग्रेस ने किया है, आम आदमी की सरकार भी है पंजाब में, वो बेचारा जेल में से छूटा है और कोर्ट ने कहा कि ना अपना मुख्यमंत्री रहेंगे ना मुख्यमंत्री निवास में रहेंगे, आपको छोड़ना पड़ेगा। अब वो हरियाणा के अंदर घूम रहा है और घूम करके कह रहा है, कहा मैं नई दिशा दूंगा। भाई, नई दिशा भ्रष्टाचार की देगा क्या? हरियाणा के अंदर आप पंजाब के अंदर जाकर के, आपकी सरकार है पंजाब में, हमने हरियाणा के अंदर फैसला किया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। आप भी पंजाब के किसानों को जाकर के कहे कि आपकी सारी फसल हमारी पंजाब की सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। बात करने का लाभ नहीं होता, काम करने का लाभ होता है। काम नहीं करते, बात करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ाते हैं और इस प्रकार के ये लोग हैं। भाइयों, हमने एक और निर्णय ये किया है कि अब की बार बरसात कम हो रही थी और उस बरसात के कारण मेरे किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे थे, हमने ये निर्णय लिया कि उनके खर्चे कम होने चाहिए और निर्णय लेकर के ये फैसला किया कि किसान के प्रति एकड़ के हिसाब से 2,000 रुपए उसके खाते के अंदर पहुंचाने का निर्णय किया। लगातार पहुंच रहा है किसानों के खाते के अंदर, ये भी हमने निर्णय किया था। भाइयों, हमारी सरकार लगातार ये लोगों के हित में काम कर रही है। मुझे ये खुशी है कि हमने बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक निर्णय किए हैं जिसका लाभ मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों को मिल रहा है। भाइयों, मुझे तो आप लोगों के बीच में, क्योंकि जो हमने काम किए हैं
ये काम ऐतिहासिक किए हैं। हुड्डा साहब बोलते हैं कि ये तो घोषणाएं हो रही हैं। मैंने हुड्डा साहब को कहा, मैं कहा ये घोषणा नहीं है भाइयों, ये ट्रेलर दिखाया है। 56 दिन के अंदर हमने कांग्रेस को ट्रेलर दिखाया है। पिक्चर तो 8 तारीख के बाद दिखाएंगे कि हरियाणा विकास की गति के ऊपर कैसे आगे बढ़ता है। भाइयों मुझे याद आता है जो ये लोग जिस प्रकार के झूठे वायदे करते हैं, ये जिस प्रकार से बोलते हैं, भाइयों इनके घोषणा को देख करके जो ये घोषणा लेकर के आए हैं, एक कहावत मेरे ध्यान आ रही है। भाइयों एक व्यक्ति गली से जा रहा था और गली में जाते हुए कह रहा था, जोर जोर से चिल्ला रहा था, कहा 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए, 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोग हैरान थे, कहियो कौन सा व्यक्ति है क्या जो ये कह रहा है कि 100 रुपए में जीवन भर बैठ करके खाइए। लोगों को उत्सुकता हुई, लोग घर से बाहर निकल करके जब उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति कौन है तो देखा वो चटाई बेचने वाला था। ये हालात कांग्रेस की है भाइयों, जो ये बोलते कुछ है, सजा वहां कुछ दिखाते हैं और करते कुछ है। ये लोग ये शोषण करने के लिए भाइयों यहाँ पर आते हैं।